हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल सक्सेस कंपटीटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, और आज का जो वीडियो जो संबंधित है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित है, JNV। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था 29 अप्रैल 2023 को, ठीक है, तो उसका ऑलरेडी एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आप कैसे चेक करिएगा, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको इस चैनल पर आपको जितने भी जूनियर कंपटीशन से संबंधित जो भी नोटिस है, ठीक है, वो सारा कुछ उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि सिंपली आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है। ठीक है, कोई भी आपको एक गूगल ब्राउज़र पर यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है नवोदय के ऑफिशियल साइट पर आपको जाना है। अगर आपको नवोदय का ऑफिशियल साइट नहीं पता है तो सिंपली आप लिख दीजिएगा नवोदय ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए नीचे में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे करिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये आपका नवोदय का ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए तो ये आपका साइट खुलेगा। और देखिए, जैसे ही आप खोलिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट फॉर क्लास 6 JNVST 2023। तो सिंपली बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्लिक बेल टू चेक रिजल्ट कंटिन्यू, मतलब आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक किए तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, तो आपके एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर रहा होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और थोड़ा सा अगर नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटर डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहा होगा तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। और उसके बाद चेक रिजल्ट पर आपको कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही चेक रिजल्ट पर आप क्लिक करिएगा ना, जैसे भी आप चेक करिएगा तो आपको सारा कुछ दिखा देगा कि आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं। अगर आपका रिजल्ट अगर हो जाएगा तो आपको ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कंग्रेचुलेशन करके लिखा हुआ रहेगा। और जिनका रिजल्ट नहीं होगा तो उसका रेड कलर से लिखा हुआ आएगा, सॉरी करके। ठीक है, फिलहाल मेरे पास किसी स्टूडेंट का है नहीं, इसी कारण से मैं दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी बिल्कुल ही प्रोसेस सेम टू सेम है, ऐसे ही अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जो भी आपके पास हो वहाँ पर आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आप अगर आप कोई स्टूडेंट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख कर देखिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल प्रोसेस यही है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अच्छा, एक आपको इन्फॉर्मेशन और भी देना है। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है, इसके अलावा सिमुलतला हो गया, ठीक है, सिमुलतला हो गया, सैनिक हो गया, तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, जूनियर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, सारा नोटिस हमारे चैनल पर दिया जाता है। और इन सभी का तैयारी जो है, ठीक है, हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि सिमुलतला की अगर बात करें तो सिमुलतला के फॉर्म आने वाला है। ठीक है, और सिमुलतला का जितना भी प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन जो है वो सारा सोल्यूशन मैं अपने वीडियो पर ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल पर आप जाइएगा, अगर सिमुलतला का फॉर्म भर रहे हो तो। ठीक है, वहाँ पर सिमुलतला के लिए एक बना होगा प्लेलिस्ट, ठीक है, सिमुलतला का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ पर जाइएगा तो आपको प्रीवियस ईयर का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नवोदय का भी वीडियो बना हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जाकर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।